हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। हमारे चैप्टर जो चल रहे थे उनको हम जल्दी ही कम्प्लीट करेंगे। हमारे पैराग्राफ चल रहे थे बच्चों, तो पैराग्राफ बच्चों आप सभी लर्न करते जाइए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ, वैसे आप अपनी कॉपी में लिख करके बच्चों तैयार कीजिए चैप्टर अपने जो है जो चल रहे हैं। मैं पॉइंट टू के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट सभी अपने कॉपी और पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए चैप्टर के लिए। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंपोजिशन राइटिंग का पार्ट, सो कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। देखिए सारे स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सभी को मालूम है, आप सभी को शॉर्ट पैराग्राफ। बच्चों शॉर्ट पैराग्राफ में हम जो पढ़ेंगे आज वो एक सीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? SCENE, समझते हो? सीन मतलब दृश्य पढ़ेंगे आज। अब दृश्य मतलब जो होता है, जैसे मान लो कहीं का भी आपसे दृश्य पूछा जा सकता है, जैसे पोलिंग बूथ हो सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो सकता है, जैसे किसी स्कूल का किसी क्लास का हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही हम एक बढ़िया सा पढ़ेंगे जो आप लोग ज़्यादातर देखते भी हैं, आपके नज़र में भी रहता है, याद भी रह सकता है। तो देखिए वो टॉपिक होगा हमारा सीन, SCENE लग रहा है, देखो आपको है ना, सही कर देता हूँ मैं इसको। अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, RAILWAY, रेलवे प्लेटफॉर्म कह सकते हो और स्टेशन प्लेटफॉर्म कहेंगे अपन इसको। रेलवे प्लेटफॉर्म, तो बच्चों रेलवे प्लेटफॉर्म का हम जो है वो सीन देखेंगे कि रेलवे प्लेटफॉर्म कैसा होता है, क्या होता है। वैसे सभी जानते हैं पर हमें तो पॉइंट टू पॉइंट हमें लेना पड़ेगा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखो बच्चों रेलवे प्लेटफॉर्म आपने देखा है, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है, रेलवे स्टेशन हम लोग बोल देते हैं, तो वैसा ही वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो चीज़ के बारे में जानते हैं। तो आपने सीन की बात है, तो आप घूमने गए तो आपने देखा वहाँ पर, तो देखा तो आपने क्या देखा, ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रिसेंटली I went to a railway platform, ठीक है ना, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप देखते जाइए, वीडियो क्लियर आएगा एकदम, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। यस ओके, आई वेंट टू अ रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है बच्चों। टू रिसीव माय अंकल UNCLE, कि हाल ही में क्या हुआ था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया था मेरे अंकल को क्या है रिसीव करने के लिए। जैसे भी हम लोग जो इसको बनाते हैं, अंकल माय ब्रदर माय सिस्टर कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, आई बॉट, तो अब आप जाओगे तो क्या करोगे बच्चों, आपको पता है आपको जो है टिकट लेनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, तो क्या लिखेंगे आप लोग, IBOUGHT, आई बॉट मतलब मैंने खरीदा, आप प्लेटफॉर्म टिकट, अ प्लेटफॉर्म छोटा ये कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं इसमें, आ प्लेटफॉर्म टिकट, TIKET, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, एंड एंटर द प्लेटफॉर्म एंड एंटर्ड TERED एंटर द प्लेटफॉर्म, ओके।
समझाऊंगा बाद में, आप पॉइंट पॉइंट देखते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो आता है, देयर वॉज ए ग्रेट हसल एंड बसल, यही होती है, देयर वॉज अ ग्रेट हसल एंड बसल, हसल एंड बसल बच्चों ध्यान रखना, भीड़ भाड़ को बोलते हैं आगे, और मैं जब इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा जब आपको कहूंगा मैं, आगे पॉइंट देखते जाइए पहले, फोर्थ आप पहले लिखते जाइए मेरे साथ साथ, मैं वो धीरे आराम को आराम से लिखवा रहा हूँ, स्पीड से आपको लग रही है ज़्यादा तो बच्चा भी स्लो भी कर सकते हैं, ऊपर तीन पॉइंट आ रहे हैं, तीन बिंदु आ रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है थोड़ा एक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड भीड़भाड़ वाला हो गया, विद पैसेंजर्स विद पैसेंजर्स फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट पैसेंजर वर, क्या लिखेंगे हम, डिफरेंट पैसेंजर्स वर इंडल्ज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज कि अलग अलग पैसेंजर जो होते हैं उन्होंने क्या करते हैं उनके अलग अलग जो है इंडल्ज होते हैं गतिविधि एक्टिविटीज़ को साथ में हम लोग ले सकते हैं डिफरेंट टाइप की, ठीक है ना। जो पैसेंजर जो है जो यात्रीगण जो है वो क्या है डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जो है अलग अलग प्रकृति में जो इंडल्स थे, इंडल्स यानी बीजी कर सकते हो, वर बीजी भी ले सकते हो बच्चे इसकी जगह, ठीक है, बी यू एस वाई, व्यस्त थे, ठीक है। ये देखिए दिख जाएगा आपको, बीजी भी इंडल्स भी कह सकते हैं, इन डिफरेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद अर्थ में आपको पूरा बताऊंगा, डोंट वरी, आप एक बार देखते जाइए, लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, ठीक है ना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो कंटिन्यू रहिए बच्चे सारे, देखते जाइए जो मैं आपको बताना चाहूँ। हॉकर्स होते हैं बच्चे जो होते हैं ना, ये हम उनको बोलते हैं खोमचे वाले जो होते हैं ना, सामान बेचने वाले जो आवाज़ लगाते हैं ज़ोर ज़ोर से, हाँ वही हाँ, वैसे थड़ी मार्केट नहीं होता, बस दुकानें लगी होती हैं, आप थड़ी मार्केट नहीं बोलिए, हॉकर होते हैं आवाज़ लगाने वाले। हॉकर्स वर शाउटिंग, टू सेल देयर गुड्स बच्चों, एक तो गुड होता है, गुड्स होता है, गुड्स का मतलब होता है बच्चों आर्टिकल, सामान जिसको हम कहते हैं ना, जो बेचने वाला होता है उसको गुड्स कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वॉज अ ग्रेट नॉइस, भीड़ भाड़ का मतलब बहुत ज़्यादा होना, ऑफ वेरियस काइंड्स, अलग अलग प्रकार की शोर शराबे में अलग अलग प्रकार की होना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एट ट्रेंड्स वर कमिंग एंड गोइंग, भाई सीन बता रहे हो अपने थॉट के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेंड्स लिखेंगे देखो यहाँ पर, ट्रेंड्स वर आ रही जा रही थी, कमिंग एंड गोइंग एंड गोइंग, ट्रेनें आ रही जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दो पॉइंट ज़्यादा बताऊंगा मैं आपको पहले से, हाँ उसके बाद देखिए,
एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, मैं दिन के अंत में क्या हुआ, माई अंकल वॉज वेटिंग फॉर, है ना, मेरे अंकल इंतजार करते ऑफ द डे द ट्रेन, एट द एंड ऑफ द डे द ट्रेन, कहने का मतलब हो गया सेंटेंस जो है चलेगा, ट्रेन्स वर कमिंग एंड गोइंग एट द एंड ऑफ द डे, यह तो हो गया उसके बाद, एट द एंड ऑफ द ट्रेन, एट द एंड ऑफ द डे द ट्रेन्स माई अंकल वॉज वेटिंग फॉर कैम, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, ठीक है ना, हाँ समझ गए ना आप लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कन्फ्यूज नहीं हो ये, माई अंकल वॉज वेटिंग वेटिंग फॉर कैम, ओके, उसके बाद देखिए दो पॉइंट और बचे हैं, बस खत्म हो जाएगा फिर ये, कैम माय अंकल 10 पॉइंट, माय अंकल गॉट इनटू द ट्रेन, गॉट इनटू द ट्रेन TRAIN, then we came back home, then next point hello, then we came back home, ठीक है हो जाएगा ना, came back home, आपके जितने सूट होने वाले हैं बच्चों उतने ही वीडियो में बना रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ आपका, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए यहाँ से लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट अब यहाँ से लीजिए, हाँ बिल्कुल यहाँ से ये लीजिए, हो गया, अब लास्ट में यहाँ से ले लीजिए बच्चों लास्ट तक का, ओके देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, रिसेंटली आई वेंट टू रेलवे प्लेटफॉर्म टू रिसीव माई अंकल, हाल ही में मेरे अंकल को रिसीव करने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया, आई बॉट अ प्लेटफॉर्म टिकट एंड एंटर्ड द प्लेटफॉर्म, मैंने एक प्लेटफॉर्म का टिकट खरीदा और प्रवेश कर गया मैं रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर, देर वॉज ए ग्रेट हसल एंड बसल, वहाँ बहुत ही ज़्यादा जो था हसल बसल यानी कि शोर शराबा था, बहुत ही ज़्यादा जो है प्लेटफॉर्म पर शोर शराबा था, गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही थी, एक्टिविटी ज़्यादा थी, लोग आ रहे जा रहे थे, चहल पहल ज़्यादा हो रही थी, तो हसल बसल को हम कहते हैं शोर शराबा या चहल पहल, द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड विथ पैसेंजर, बहुत सारे यात्रीगण जो है उनसे भीड़भाड़ लगी हुई है, डिफरेंट पैसेंजर वर इंडल्ज्ड यानी कि बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटीज, सभी पैसेंजर अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त थे, हॉकर्स वर शाउटिंग टू सेल देयर गुड्स, और जो हॉकर्स होते हैं खोमचे वाले यानी कि जो छोटे मोटे दुकान वाले वो आवाज़ लगा लगा के अपना सामान बेच रहे थे, ठीक है ना, देयर वॉज अ ग्रेट नॉइस और वेरियस काइंड, अलग अलग प्रकार के जो शोर था बहुत ज़्यादा था, ट्रेन्स वर कमिंग एंड गोइंग, ट्रेनें आ रही जा रही थी, एट द एंड ऑफ द डे और दिन के अंत में द ट्रेन माई अंकल वॉज वेटिंग फॉर कैम, वो मेरे ट्रेन जिसका इंतजार किया जाता है मेरे अंकल वाली ट्रेन जो थी, मतलब अंत में जो थे मेरे अंकल जी जिस ट्रेन में आने वाले थे, जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे हम लोग, वो ट्रेन जो है वो अंत में आ गई, माई अंकल गॉट इन टू द ट्रेन, अब देखो क्या हुआ, मेरे चाचा जी जो है गॉट इन टू द ट्रेन, मतलब मेरे अंकल जो थे वो गॉट इन टू द ट्रेन, मतलब ट्रेन में जो है गॉट इन टू का मतलब क्या हो गया, गॉट इन टू द ट्रेन यानी यहाँ पर जो बात आ जाएगी बच्चों ट्रेन से उतरना होना चाहिए ना, है ना, गॉट इन टू द ट्रेन मतलब ट्रेन पर चढ़ गए और देन वी कैम होम, और फिर घर हम घर आ गए, यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जो यहाँ दिया गया है गॉट इन टू, इस गॉट इन टू को थोड़ा चेंज करते हैं, भाई ट्रेन से उतरे ना, भाई अंकल जो हम कह रहे हैं कि मेरे जो अंकल की जो गाड़ी थी जिसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अंकल को रिसीव करने के लिए गया है वो या छोड़ने के लिए गया है यहाँ पर, तो देखो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अंकल को लेने के लिए गया हुआ है, तो लेने के लिए गया हुआ है तो यहाँ पर गॉट इन टू द ट्रेन जो दिया हुआ है उस वर्ड को थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं,
देखिए यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ये कर सकते हैं इनटू की जगह गेट आउट द ट्रेन, मैं ट्रेन से बाहर निकलने हो गया ना, गेट आउट बाहर निकलना, तो यहाँ पर हम आउट कर देंगे गेट आउट द ट्रेन, ट्रेन से बाहर निकले देन वी कैम बैक होम, और फिर हम क्या हो गए बच्चों घर आ गए। तो ये था बच्चों हमारा जो है ट्रेन का प्लेटफॉर्म वाला यानी कि सीन ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो आप इसको जो है तैयार कीजिए कॉपी में लिख करके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो लिख करके जो है बढ़िया तरीके से पैराग्राफ को बनाइए, और निकलते हैं अगले टॉपिक के लिए बहुत ही जल्दी, नए टॉपिक में ला रहा हूँ जो इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी तक इसमें सीन दृश्य जो है कुछ अपने को जो पसंद क्या है नापसंदगी क्या है, कुछ ऐसे दो तीन टॉपिक ऐसे और आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों गुड डे गुड बाय।